नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। सनातन धर्म के लोगों के लिए 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का विशेष महत्व है। इस 5 दिनों के दौरान लोगों के घर में अलग ही अलग धूम देखने को मिलती है। सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इसी के साथ घर को लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। 5 दिवसीय दिवाली उत्सव के पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दिवाली, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता को पराजित किया था, तब से ही इस दिन गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन को अन्नकूट या अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुछ विशेष उपाय भी हैं जो इस विशेष दिन किए जाते हैं तो किस्मत चमक सकती है। अगर आप भी गोवर्धन पूजा के साथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो कुछ उपायों को एक बार आजमा कर जरूर देखिए। बरगद की छाल। कहते हैं कि अगर किसी की सेहत खराब रहती हो या फिर घर परिवार में किसी की आए दिन तबीयत खराब रहती हो तो उसे गोवर्धन पूजा के दिन बरगद की छाल का उपाय करना चाहिए। इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, बस बरगद की छाल लेनी है, फिर उसे पानी में उबालना है। इसके बाद उसी पानी से स्नान करना है। मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत संबंधी सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। गाय को स्नान करवाएं। धन पाने की चाहत हो तो गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान करवाएं। इसके बाद तिलक करके उन्हें चारा खिलाएं, फिर 7 बार परिक्रमा कर लें। परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो गाय के खुर के पास की मिट्टी लेकर उसे कांच की बोतल में अपने पास रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से गाय माता की कृपा होती है और जीवन में धन वर्षा होती है। आटे की चिड़िया गाय को खिलाएं। अगर किस्मत साथ ना दे रही हो तो या तो फिर बच्चों की सेहत समृद्धि को लेकर आप परेशान हो तो चावल के आटे से 3 चिड़िया बना लें। इसके बाद इन्हें पानी में उबालें, फिर 1 चिड़िया गाय को खिला दें, दूसरी चिड़िया छत पर पक्षियों के लिए रख दें, तीसरी और आखिरी चिड़िया माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है, साथ ही घर परिवार में सभी की सेहत समृद्धि बनी रहती है। गूलर और नीम का उपाय। अगर काम बनते बनते बिगड़ जाते हो या फिर कोई विशेष मनोकामना हो तो गोवर्धन पूजा के दिन बरगद के पेड़ की छाल ले लें। इसे कूटकर पीपल के 5 पत्तों पर बराबर मात्रा में रख दें। इसके बाद इससे अपनी मनोकामना या फिर बिगड़ते कार्यों को बनाने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।